आज इस गांव में बहुत खुशहाली है। जो भी सब मर्द लोग काम में लगे हैं, पानी बगाई में लगे हैं, फसल भी पकाने लगे, पर पहले ऐसा नहीं रहता। मेरा नाम लच्छोबाई है, मैं ग्राम चिखलक रहने वाली हूँ और मेरे पति बीमारी वाला लखुआ वाला रहता था, कुछ नहीं करता था। जे रिलायंस फाउंडेशन वाले आए, माता राम के तुम्हारे गांव में तो बहुत शराब बंदी चल रहा है, तो वो सोच में खेलते ही रहो पहले से। पुरुष लोग तो कुछ नहीं सोचते, वे तो पी के धुंधा ही रहते हैं। बहुत से शराब निकालते थे, धंधा ही रहता था, बेचते थे भी, आने गांव के भी पीते थे और घर उनके भी पीते थे और औरतन को पीट पटकार करते हैं। मेरे मन में तो जो बहुत दिन से खेलती थी कि है ना, मैं पीड़ित महलन के देख नहीं पाती थी, तो हमने कहे ना तो बहुत महलन के साथ अत्याचारी हो रही है और काहे भुगते, अपने भी कुछ अधिकार है। फिर अब कारण है तो बोलते नहीं है तीन, अरे शराबी आदमी तो है, कुछ भी बोल सकता है। अपन ने कहे भैया ऐसा काहे कर रहा हो, और महलन के साथ अत्याचारी, मेरी औरत में जो कर लूँ। फिर उतने में जे रिलायंस फाउंडेशन वाले आए, उतने मुखिया के बोले कि है ना महलन को कहूँ बाहर घुमाने ले जाना, कारण कि वे बहुत गिरस है जिस शराब बुंदी से है ना, तो ऐसा कोई आदर्श गांव दिखाएंगे तो कुछ सोचेंगे भी। तो फिर मैं बुलाए, हम तीन महिला गए, ले गए होने, हमने नजारा देखे, शराब तो का बड़ी माचिस से लगा के बिल्कुल गेट बंद है थी। तो फिर भाई लोगन से कही जो मेरे साथ में गए थे, उनसे बोली कि ऐसा तो अपन भी कर सकते हैं। फिर थाना गए तो थाना वाले से पूछे कि भैया हमें मदद कर सकते हैं कौन है, तो दरोगा साहब ने किया कि बिल्कुल हम बिल्कुल तुम्हारे साथ हैं, कि तुम्हें बिल्कुल इसके अधिकार देंगे हम। सबरे हमने रैली निकाली, फिर घर घर जताते गए कि भैया जिन बेच रहा भी है तो सब बंद करना पड़ेगा, और रैली निकाल के हमने फिर बैठक करी, और बैठक में जो रखे हमने, जिन कोई नहीं मानेगा तो उसके ऊपर जुर्माना। फिर काके जैन उनके 8 दिन की मोहलत देखे, हमने के जहाँ तहाँ तुम बेच खर्च लो, और इसके बाद बन जो एक ठेका वाला है तो राय, तो उसने नहीं मानी, पक्की की पगुआ लाने लगा। फिर गए औरत पुरुष, तो 30 पगुआ फिर पकड़ के ले आया, फिर पटवार के जोड़े फिर जमा करता। ऐसे में हमने नशा मुक्ति आज तक नकार दी। तो एक हौसला तो जो बढ़ाए रिलायंस फाउंडेशन ने, कि जो कभी बैठक में नहीं बैठती थी, न कहूँ घर से बाहर निकलती थी, जो आज हौसला बढ़े तो महिला के बारे में भी और पुरुष के बारे में भी मैं हर एक जगह काम कर सकती हूँ। और मैं फिर जो ही सोच के, मेरी जो सोच है थी, तो फिर मैं गांव वाले ने कृषि विकास की अध्यक्ष बनाई, और मैं धन्यवाद देती हूँ रिलायंस फाउंडेशन को, वो के आभारी बहुत